एवरीवन, दिस इज गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल गार्डन। अभी आपको मैं एक बेस्ट ब्लूमिंग वैरायटी दिखाने वाली हूँ। वैसे इस पर मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं अच्छे से शायद उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि ये ज़्यादा बेस्ट ब्लूमिंग वैरायटी क्यों है। तो अभी मैं जिस फ्लावर की बात कर रही हूँ वो है लोटस का वाइट पियोनी, और ये बेस्ट ब्लूमिंग वैरायटी है क्योंकि आप इस टब को देख सकते हैं। मैं ज़रा जूम आउट कर लूँ। ये वाला जो टब है, मैंने इस किनारे में छोटा सा इसका पीस लगाया था। और इसके इस लोटस का खासियत ये होता है कि ये भागना पसंद करता है, मतलब इसमें रनर्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इस कारण इस किनारे में जब मैंने इसे लगाया तो यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट रनर है। ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये लगा, और ये रनर, इसको अभी तक मिट्टी भी नहीं मिली हुई है ना, ये ऐसे ही पानी में तैर रहा है। और आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये इसका फर्स्ट बर्ड भी निकला है। मतलब इसको इतनी जल्दी क्या है भाई फूल खिलने की। देखिए इसमें रनर्स पे रनर बन रहे हैं। ये देखिए, ये एक और इसका छोटा रनर है, और यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला एक रनर है जो इधर से बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पीस हमें मिला है। दो पीस लोटस इससे बना सकते हैं। और ये रनर इसमें, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा रनर और निकला हुआ है यहाँ पे, और ये इसका बर्ड है। मतलब ये ज़मीन को भी नहीं छुआ है इस पौधे ने, मतलब मिट्टी तक नहीं मिली, सिर्फ पानी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ मिट्टी नहीं है, यहाँ सिर्फ पानी है। और नीचे ये दिख रहे हैं कुंटेल भरे पड़े हुए। इसमें ये पौधा थोड़ी सी मिट्टी फैलने पर इस तरह से बढ़ देने लगा है। अच्छा, अच्छी बात ये है कि मैं एक छोटे से मिनी प्रोजेक्ट पर काम करने वाली हूँ जिसमें मैं एक्वा स्केपिंग करने वाली हूँ, एक्चुअली पॉन्ड स्केपिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो तो आने में टाइम लगेगा क्योंकि मुझे एक्चुअली उसमें अपडेट भी डालनी होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी काम को आपको दिखाऊं कि सीधा एंड रिज़ल्ट को आपको दिखाना चाहिए। इसी वाइट पियोनी को मैं उन्हें अपने कस्टमर के बगीचे में लगाने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि जैसे इसमें बेस्ट ब्लूमिंग स्टार्ट होगी, जो कि जुलाई के मंथ के आसपास होगी, वो मुझे एक बार कॉल करेंगे। मैं उनके घर जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि बेस्ट ब्लूमिंग वेराइटी में कितना ज़्यादा ब्लूम हो सकता है। हमारे पास तो ये छोटे छोटे टब्स में है, इतने छोटे छोटे टब्स में, और उनके पास जो जगह है वो काफ़ी बड़ा है इसके मुकाबले। अभी देखिए इतने बड़े एरिया में अगर मैं लगा देती तो ऑब्वियसली ये बहुत बढ़िया ब्लूमिंग करता, लेकिन अभी इसमें हमने नहीं लगाया था। यहाँ का मेरा कुछ दूसरा प्रोग्राम था कि मैं यहाँ बहुत सारे टब्स में अलग अलग हंड्रेड्स ऑफ दी वेराइटीज़ रखूँगी, इसलिए इसको बनवा के रखा था हमने। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि अभी ये जो आप देख रहे होंगे कि आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देख के कि पानी का लेवल वो है, पर टब को अलग से हमें फिलिंग करनी पड़े। ये उस तरफ कहीं से लीक कर रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, इसको बनाते वक्त ढंग से नहीं बनाया गया जिसके कारण इसमें क्रैक्स आ गए। प्रॉपर लेयरिंग नहीं हुई सीमेंट की, जिसके कारण अभी ये बार बार साइड से फट जा रहा है, और जितना भी हम लोग इसमें पानी डाल रहे हैं पूरा पानी बाहर निकल जा रहा है। इस कारण इसमें हम लोग कुछ भी नहीं लगा पा रहे, इसलिए ये पूरा एरिया दिख रहा है बिल्कुल फालतू है ये एरिया। और इतने टब में मेरे को लगा था कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, पौधे अच्छे से ग्रो होंगे, बट इसका अपोजिट हो रहा है। टब से पानी जो है वो लीक कर करके बाहर निकल जा रहा है, क्योंकि आपने कैपिलरी इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। होता क्या है कि ऊपर तरफ पानी भरा रहता है और साइड में जो आप एल्गी देख रहे हैं उसमें से पानी लगातार चूता रहता है। तब तक चूता रहता है पानी जब तक कि वो पूरा टब को खाली नहीं कर देता, फिर जब तेज़ गर्मी पड़ती है सारा पानी यहाँ सूख जाता है। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे फॉलोअर में इनने इंस्टाग्राम में मुझे कहा था कि दी आप ना मुझे हार्डी वाटर लिली के केयर के बारे में बताओ। अब जब भी हार्डी वाटर लिली लगाएंगे कभी भी ऐसा टब नहीं बनाना है जो लीक करे, को इसको शुरू में ही ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कितना भी आप इसका केयर करेंगे कुछ भी करेंगे पौधों की हालत ऐसी बनी रहेगी। तो इस ये अभी बेस्ट ब्लूमिंग सीज़न है, इस समय तो फूल पे फूल आने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है सब कुछ सूख जा रहा है। मैं लोटस का हालत देखिए, पानी की हालत देखिए। ओके, पानी की हालत मेरे कारण है क्योंकि मैं इसे अच्छे से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगेन अगर इसमें पानी भरा ही नहीं रहेगा, भर ही नहीं पाएंगे पानी को, तो कैसे मैं इसे मेंटेन कर पाऊँगी। तो उस समय वहाँ पे आप देख रहे हैं कितना पानी बह रहा है, नहीं देख पा रही होंगी तो मैं आपको पास ले जाके दिखाती हूँ। अब इस टब में हम लोग पानी भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, यहाँ से सारा पानी बह के
बाहर हो जा रहा है। इस तरह से अगर हम टब में लगातार पानी भरते रहेंगे तो ना सिर्फ पानी वेस्ट होगा बल्कि कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अभी मैं इनको शिफ्ट करने का प्लान बना रही हूँ। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता रही हूँ कि केयर करना है क्या करना है, क्योंकि मैंने दूसरे वीडियोज़ पर उन्हें कवर किया है। मेन मैं आपको इसमें अपनी गलतियाँ बता रही हूँ कि अगर आप कोई टब या कोई बड़ा कंटेनर के अंदर कंटेनर मेथड कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपका बड़ा कंटेनर नहीं सूखना चाहिए। क्योंकि अगर सिंगल कंटेनर में आप लोटस उगाते हैं तो पौधा बहुत ही बढ़िया बढ़ेगा, कोई दिक्कत उसको फेस नहीं करनी पड़ेगी पौधे को। लेकिन जब आप उसको कंटेनर के इनसाइड कंटेनर में, जैसे ये आपका बड़ा सा कंटेनर है, इसके अंदर छोटे कंटेनर में आप लगाते हैं, इन एनी केस अगर बड़े कंटेनर का पानी खाली हो जाता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बड़े कंटेनर में फैल चुकी हुई होती है, तो छोटे कंटेनर में जितना पानी होता है वो उनके लिए इनफ नहीं हो पाता और आपको इस तरह से लीफ बर्न देखने को मिलता है। तो कंटेनर इनसाइड कंटेनर मेथड आप जब भी लगा रहे हो, कभी भी कंटेनर का पानी सूखना नहीं चाहिए, कभी नहीं। इवन अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पानी बदल रहे हैं, ऐसा कोई कंडीशन आ रहा है जिसमें आपको पानी को हटाना पड़ा, तो उस कंडीशन में आपको उस बड़े कंटेनर के जगह एक और बड़ा कंटेनर रखना पड़ेगा और उसमें आप अपने पौधे को डुबा दीजिए और फिर अपने बड़े कंटेनर को साफ़ करके अगेन, या फिर पौधे को छांव में रखिए जहां वो सूखे नहीं, क्योंकि धूप में छोड़ देंगे तो भैया उसकी हालत तो बहुत ही बिगड़ने वाली है। जैसे मेरे पौधों के साथ पूरे पौधे देखिए पीले पड़ गए हैं, जल गए हैं, शाम का वक्त है, अंधेरे में कुछ ज़्यादा शायद दिख नहीं होगा लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल आपको नहीं करनी है, सारे पौधे जाएंगे जल। इसी को मैं थंबनेल बना लूँ सोच रही हूँ, है ना। तो आपको अच्छा एक मुझे सजेशन दीजिए इसी वीडियो में कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी चाहिए क्या, मतलब पौधों के बारे में, जहाँ भी मैं जाती हूँ कि मेरे को उस पर सामने आके क्या, मैं थोड़ा सा कैमरा शाई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सामने आके वीडियोस बनाना शुरू करूँ। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं लेकिन मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि मैं सामने आके अजीब सी दिखूँगी करके। तो कमेंट करके मुझे आपको बताना है कि ये कैमरा शायद छोड़ के मेरे को थोड़ा सा ब्लॉगिंग करना चाहिए क्या, और आप लोग साथ दोगे कि नहीं। अगर आप लोग कमेंट करोगे बताओगे तो मैं करूँगी, नहीं तो फिर मैं सोचूंगी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अभी आपको सजेशन ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में, आप इंस्टाग्राम में आके मुझे पर्सनली सजेस्ट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे करना है, पर यहीं पे बता देंगे तो आपको बिजी पड़ेगा, मुझे बिजी पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, और ले आ गई ट्रेन, बाय।